रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो एंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन अकरिंग इनवॉलेंट्री, तो जितनी भी प्रोसेस होती हैं किसकी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, जैसे हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम देखा था, तो उसकी खासकर जो ज़्यादातर प्रोसेस हैं वो इनवॉलेंट्री होती हैं, हमारी बिना इच्छा के ही होती हैं, अपने आप हो जाती हैं। जैसे कि सडन विदड्रॉल ऑफ बॉडी पार्ट विच कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट दैट आर एक्सट्रीमली हॉट कोल्ड पॉइंटेड और एनिमल दैट आर स्केरी और पॉइजनस। तो यदि हमारा बॉडी ऑर्गन, कोई भी बॉडी पार्ट, कभी किसी भी बहुत ही ज़्यादा गर्म चीज़ के कॉन्टैक्ट में आता है या फिर कोई नुकीली चीज़ है उसके टच में आता है, हमारा ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए, उस टाइम की बात कर रहा है, या फिर कि ऐसे एनिमल के टच में आ जाता है जैसे पीछे से कोई डॉग है वो एकदम से टच कर ले, तो उसके प्रति क्या होता है, हमारा एक जो एक वो पार्ट है वो पीछे की तरफ ऑटोमेटिकली हट जाता है। तो ये जो एक्शन होता है इसको रिफ्लेक्स पाथवे के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो रिफ्लेक्स पाथवे क्या होता है, कॉम्प्राइजेज वन एफरेंट न्यूरोन। तो सबसे पहले तो जो सिग्नल आया हॉट, जो भी हॉट है, कोल्ड है, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से, तो उसको रिसेप्टर के द्वारा एक इफरेंट न्यूरोन कहाँ पे लेके आती है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लेके आती है, और उसके बाद एक इफरेंट न्यूरोन होती हैं जो कि उसके बाद जो भी सिग्नल, जो भी कमांड करवाना है उस बॉडी पार्ट से, उसको कौन करवाता है, एक्साइटरी न्यूरॉन्स करवाती हैं। एफरेंट न्यूरॉन्स रिसीव सिग्नल फ्रॉम ए सेंसरी ऑर्गन, कोई भी सेंसरी ऑर्गन हो सकता है, जैसे टच है तो स्किन से एक सिग्नल लेके आएंगी एफरेंट न्यूरॉन, और उसको ट्रांसमिट किया जाएगा किसके अंदर, वाई डोर्सल नर्व रूट इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। डोर्सल नर्व रूट एक स्ट्रक्चर होती है जिसके द्वारा स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल एंटर होता है, और इफरेंट न्यूरॉन क्या करेगी, सिग्नल लेगी किससे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से, किसके पास, इफेक्टर के पास। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देन फॉर्म ए रिफ्लेक्स, और जो भी एक सिग्नल आया है उसके बाद वो सिग्नल गया है, तो स्पाइनल कॉर्ड में ही इस एक्शन को कर लिया जाता है, इसमें ब्रेन का कोई भी रोल नहीं होता, क्योंकि यदि सिग्नल को ब्रेन के पास पहुंचाया जाए तो टाइम लग सकता है, टाइम डिले हो सकता है, उसके बीच में जो बॉडी ऑर्गन है वो डैमेज तक हो सकता है, इसलिए यहाँ पे केवल स्पाइनल कॉर्ड का ही वो काम देखा जाता है। उसके बाद हम पिक से देख सकते हैं, ये जो एनसीईआरटी का पिक है, इसमें जैसे कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट से एक सिग्नल बना, सिग्नल रेड कलर से दिखाया गया है, और जो एक लाइन सी है ये जो डोर्सल नर्व रूट है उससे एंटर करेगी स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में फिर रिले एंड न्यूरॉन सेंटर कुछ होते हैं जो कि सिग्नल को पहचानते हैं, उसके बाद यहीं से जो सिग्नल है, जो कमांड है, वो मसल्स के पास भेज दिया जाती है, और मसल्स क्या करती हैं, एकदम से हाथ को पीछे हटा लेती हैं। तो यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड का जो खासकर एक ही जो वर्टिब्रा है उसके अंदर की स्ट्रक्चर दिखा रखी है, और यहाँ पे ब्रेन के पास कोई भी मैसेज, हालांकि बाद में जरूर जाता है, लेकिन शुरुआत में जो एक्शन लेना है, एक्शन के बारे में ब्रेन से कोई भी ऑर्डर वगैरह उसकी वेट नहीं किया जाता, क्योंकि उसके लिए टाइम डिले हो सकता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे ये एक हैमर है, तो हैमर जैसे ही टच करता है यहाँ पे तो एक सिग्नल है वो बनता है, और सिग्नल जैसे ही, ये देखो ये सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट किया जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के पास आएगा, और स्पाइनल कॉर्ड से जो आगे की तरफ यहाँ पे एक जो न्यूरॉन रिले सेंटर है वहाँ पे आएगा, और उसके बाद वापस मसल्स के पास भेज दिया जाता है, और मसल्स क्या करती हैं फिर, जो भी मूवमेंट करवानी है हाथ की या फिर पैर की, वो मूवमेंट नर्व, ये मोटर न्यूरॉन्स होती हैं, और जिससे पैर है वो मूव करता है, तो जो मूवमेंट है उसको कौन देखता है, ये रिफ्लेक्स, एक जो रिफ्लेक्स एक्शन भी बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्स आर्क भी, क्योंकि यहाँ पे एक आर्क बनती है, आर्क जैसे हम पढ़ते हैं मैथ में, एक जो सर्कल का पार्ट होता है तो एक आर्क बनती है, और उसी आर्क की वजह से इसको रिफ्लेक्स आर्क या फिर रिफ्लेक्स एक्शन नाम दिया जाता है।